हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? होप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फिर से आपका स्वागत है एक बार हमारे चैनल एनसी ब्लॉग्स में। तो आज एक कहीं जा रही हूँ मैं शादी में, एक्चुअली तो पार्टी होती है शादी की रात में, बट दिन में टाइम है हमारे पास, रात में टाइम नहीं है, थोड़ा दूर है जाना पड़ेगा हमें, उस वजह से जा रही हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि उसके जब शादी में जा ही नहीं हूँ दिन में, तो क्यों ना थोड़ा अपना भी काम कर ले, क्योंकि आज डे ऑफ है ऑफिस का। तो दिन में थोड़ा हम शॉपिंग करेंगे, हस्बैंड के लिए शूज़ लेना है, मेरे लिए भी लेना है। एक्चुअली नेक्स्ट वीक एक लीव प्लान है मेरा छुट्टी में थोड़ा घूमने का, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड। मैं बताऊँगी आपको छुट्टी में मैं कहाँ जाने वाली, उसका भी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड, हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, मिलते हैं वहाँ जाके। तो फ्रेंड, हम लोग गए थे घूमने और साथ में शॉपिंग भी कर लिया, जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो आज थोड़ा टाइम था, तो थोड़ा घर का सामान भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, मैंने कहा थोड़ा सामान ले लेती हूँ, आज टाइम भी है, मौका भी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने लिया है इतना सारा सामान, ठीक है। तो मैं जो है ना एक एक करके ना आपको दिखाऊँगी यहाँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ मार्केट से। एक्चुअली हम लोग गए थे मॉल, क्योंकि इतना टाइम था नहीं, तो मैंने कहा मॉल में जाती हूँ, उधर से लेकर आती हूँ सारा सामान। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ अच्छी चीज़ से। हाँ, मैं लेके आई हूँ इनका उपखा मैगी। सो ये बाय वन गेट वन था, तो एक खरीदा था, उसके साथ में एक फ्री मिला है। और मैं लेके आई हूँ आलू भुजिया का नमकीन, बहुत बड़ा पैक है, बहुत दिन तक चल सकता है ये। और ये दो कॉफ़ी लेके आई हूँ मैं, कॉफ़ी पाउडर। सो ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पीना पसंद करते तो इसलिए लेके आई थी। और ये है एयर फ्रेशनर, अलग अलग दो फ्लेवर का एयर फ्रेशनर। और ये है मंदिर के लिए अगरबत्ती। और ना एक बहुत मंदिर के लिए मैं एक चीज़ और लेके आई हूँ, जो कि ना देखिए आप, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा रही हूँ उसको। ये है कर्टन जो मंदिर के दरवाजे पे लगेगा, तो देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने ले लिया इसको। ऑलरेडी एक लगी हुई है, बट इसको मैंने ले लिया, जब भी मौका मिलेगा इसको पूजा वूजा में लगा लूँगी। और मैंने एक चीज़ लिया है, अब दिखा दी आपको। सो जब मैं सुबह ना किचन में काम करती हूँ तो मेरे कपड़े ख़राब होते हैं, मैं बावर्ची का एक एप्रन लेके आई हूँ, इसको ऐसे पहनूंगी सुबह जब भी काम करूँगी, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होगी ये मेरे लिए। और अभी कोल्ड ही है तो निविया का कोल्ड क्रीम एंड डब का शैम्पू। और ये क्रीम है, और ये है इजी, स्वेटर वगैरह वॉश करती हूँ तो अगर उसमें डाल दो तो थोड़ा सही रहता है, कपड़ा सही रहता है, इसलिए लेके आई हूँ। ये किचन में यूज़ करने के लिए कपड़ा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं कैसे दिखाऊं। सो आज मैंने इतना सा शॉपिंग, और भी एक चीज़ रह गई है, ये हैंड वॉश भी लेके आई हूँ फ्रेंड्स। सो जो भी घरेलू जो सामान है ना किचन का, ऑलमोस्ट सामान मैं लेके आई हूँ। और भी चीज़ें हैं, मसाले वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो है ना, मैं इतना सारा चीज़ें अभी समझ ही होंगे आप लोग कि किचन में क्या क्या चीज़ें चाहिए पड़ता है। एक्चुअली टाइम मिलता नहीं है, तो महीने में दो महीने में एक ही बार जाती हूँ, सारा सामान लेकर आती हूँ। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक था, अभी शाम हो गई है, हम लोग घर पे पहुँचे हैं। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, तो एक आइटम और है, उसके लिए प्लीज़ वीडियो में बने रही है। सो फ्रेंड्स, आज लेके आई हूँ इतना बड़ा बैग है मेरे पास, इस बैग में मैं लेके आई हूँ शॉपिंग करके, इसमें खाली शूज़ एंड स्लीपर्स है। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड का, ये है
एक्वालाइट का, ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये पहनने में, तो ये अच्छा लगा था तो हम लेकर आए हैं इसको। सेकंड वन ये स्लीपर है गुची का, और इसका ये बहुत स्पॉन्जी है, सॉफ्ट है, ये कलर भी बहुत अच्छा है इसका। अगर इसको आप देखेंगे ना ऐसे लग रहा है, बट थोड़ा कॉस्टली पड़ा है, गुची का है, थोड़ा ज़्यादा ही कॉस्टली पड़ा है, लेकिन अच्छा है, बहुत क्वालिटी इसका सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। अब निकलेगा देखो क्या, ये बहुत पसंद करके लेके आए मेरे हस्बैंड शूज़। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सही तरीके से पकड़ती हूँ। फर्स्ट का सेकंड कट मुझे नहीं पता क्या बोलते, उतना मुझे नॉलेज नहीं है जो शूज़ के बारे में। तो ये है वाइट कलर का शूज़, इनका वाइट कलर का शूज़ ऑब्वियसली अच्छा लगता है कहीं पे भी आप जाओ, और मेरा जो शू है वो भी वाइट कलर का ही है, थोड़ा कंट्रास्ट इसमें देख सकते हैं आप। तो ये मेरा शूज़ है, हल्का सा हाई में है बट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सॉफ्ट है बहुत, जब मैंने पहना ना पैर में बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड बताना हमारा शू और जो स्लीपर्स आज लेके आए उसका कलेक्शन कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर कोई सजेशन है तो भी आप ज़रूर बताना। सो फ्रेंड आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि क्या हम और अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू।